A car weighing 1800 kg, the distance between its front and back axle is 1.8 meter, its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. Determine the force exerted by its level ground on each front wheel and each back wheel. Okay, तो ये अपने पास मान लेते हैं कार है, ठीक है, और ठीक है ये अपना कार है और इसका एक टायर यहाँ है, इसके पीछे दूसरा टायर यहाँ पे है और एक टायर यहाँ है, इसके पैरेलल यहाँ पे एक टायर है, ठीक है। तो ये चार व्हील है इसके। अब यहाँ पे इन दोनों एक्सल के बीच में, इन दोनों एक्सल के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपने को गिवन है, डी है, कितना है 1.8। और इसका जो मास एम है, वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो मान लेते हैं यहाँ लग रहा है, ठीक है, ये आपका डब्ल्यू लग रहा है यानी एम जी लग रहा है। वो फ्रंट व्हील से कितना डिस्टेंस के ऊपर है, आर डिस्टेंस के ऊपर है, राइट। और आर भी अपने गिवन है 1.05। अब अपने को क्या बोला है कि लेवल ग्राउंड है वो कितना फोर्स लगा रहा है इन व्हील के ऊपर, तो इन दोनों के ऊपर कंबाइन फोर्स, इन दोनों दोनों पीछे वाले टायर के ऊपर कंबाइन फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं एन नॉर्मल लगा रहा है बैक, और यहाँ पर लिख लेता हूँ नॉर्मल फ्रंट एन बी लिख लेता हूँ, ये चीज़ क्लियर है। एन एन फ्रंट एफ F लिख लेते हैं, ओके। तो ये एन बी और एन एफ, ये दोनों टायर के बात कर रहा हूँ, आगे के दोनों टायर के ऊपर एन एफ लग रहा है और पीछे के दोनों टायर के ऊपर एन बी नॉर्मल लग रहा है। तो अपने को यही फाइंड करना है, एन बी क्या है, अब बाई टू करेंगे तो एक व्हील का आ जाएगा। चलो एन बी और एन एफ फाइंड करना है अपने को। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखो ये कार रोटेट तो हो नहीं रही है और ना ही ऊपर नीचे मोशन कर रही है, तो यानी नीचे का फोर्स इज इक्वल टू ऊपर का फोर्स होगा, क्योंकि ऊपर नीचे मोशन नहीं कर रही। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ mg इज इक्वल टू एन बी प्लस एन एफ बोल सकता हूँ। अब mg क्या है, 1800 इंटू 9.8 इज इक्वल टू एन बी प्लस एन एफ, राइट, यानी कि एन बी प्लस एन एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17640, ठीक है, न्यूटन। ये एन बी यानी दोनों पीछे के टायर और एन एफ यानी दोनों आगे के टायर, ये चीज़ क्लियर है, ओके। अब दूसरा देखते हैं कि ये कार ना रोटेट भी नहीं हो रही है, रोटेट नहीं हो रही, तो जैसे मैं इस पॉइंट के अबाउट बोलूँ या इस पॉइंट के अबाउट बोलूँ या इस पॉइंट के अबाउट बोलूँ, तीनों पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे अपन टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो ले सकते हैं, तो क्योंकि ये रोटेट नहीं हो रहा, तो सी पॉइंट के अबाउट में अगर टॉर्क जीरो लेता हूँ, सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो लेता हूँ, तो टॉर्क जीरो सी पॉइंट के अबाउट कैसा आएगा, देखो यहाँ पे एन एफ जो फोर्स है वो तो बिल्कुल सी पॉइंट के ऊपर है, तो इसके इसके इसकी वजह से टॉर्क जीरो हो गई। दूसरा बी की वजह से देखो, यानी कि वेट की वजह से देखो, तो ये नीचे घुमाना चाहता है, नीचे घुमाना चाहता है ना, तो इसको मैं नेगेटिव लिख देता हूँ। नेगेटिव क्या लिख देता हूँ, डिस्टेंस आर और इनटू फोर्स एम जी, राइट, ओके। और जो एन बी है ये इसको ऊपर घुमाना चाहता है और ये घूमेगा नहीं क्योंकि टॉर्क जीरो अपन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा डिस्टेंस डी इनटू एन बी, राइट, इज इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा डी एन बी इज इक्वल टू आर एम जी, राइट, ओके। तो यहाँ से एन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, आर कितना है 1.05, एम जी कितना है 17640 डिवाइडेड बाई डी कितना है, डी है 1.8, यानी यहाँ से मेरा एन बी आया है 10290 न्यूटन। अगर एन बी इतना है तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूँ एन बी की, तो एन एफ क्या आ जाएगा मेरा, एन एफ आ जाएगा 17640 माइनस 10290 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 737350, क्या आएगा, एन एफ आ जाएगा। अब देखो यहाँ एन बी है वो दोनों टायर के ऊपर है, तो एक टायर के ऊपर कितना होगा, बैक का एक टायर के ऊपर कितना होगा, इसका डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय टू कितना आ जाएगा, ये 5145, राइट, 5145 न्यूटन, राइट, ये आ जाएगा एक पीछे के टायर के ऊपर और दूसरे पीछे के टायर के ऊपर भी यही आएगा, ओके। ये दोनों फ्रंट टायर के ऊपर है, तो एक फ्रंट टायर के ऊपर कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टू करो, तो ये आ जाएगा 3 1 यानी 6, फिर 7 और ये 5, 3675 न्यूटन फ्रंट टायर के ऊपर आएगा इंडिविजुअल टायर के ऊपर, और बैक टायर के ऊपर 5145 आएगा। तो बैक के ऊपर ज़्यादा फोर्स आता है तो पीछे के टायर ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, क्लियर, यानी पीछे वाले टायर ज़्यादा महंगे आते हैं इसी वजह से।